टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक, बैठक में टीम 11 के अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना से निपटने के लिए सीएम ने चर्चा की, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव भी शामिल हुए टीम 11 के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है, तमाम पहलुओं पर चर्चा की है, उत्तर प्रदेश की स्थिति जानी है। संक्रमण के केस उत्तर प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको रोकने के लिए टीम 11 की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक, इसमें टीम 11 के सदस्य हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद है, जहां पर वो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वो चाहे अस्पतालों में इंतजाम से जुड़ी हुई हो, लॉकडाउन की स्थिति क्या है, तमाम पहलुओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के लोगों से चर्चा। अनूप सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अनूप, टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है, क्या जानकारी है? देखिए आदेश, योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर काफी सजग हैं और काफी जिस तरीके से अधिकारियों से संपर्क उनका बन रहा है, और खासकर जो दिन भर का जो कलेक्शन होता है, जिस तरीके से अधिकारियों की क्या कार्यवाही हो और क्या किस 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 क्षेत्र में क्या दिक्कतें हो रही है और कहाँ किस पर दिक्कतें आ रही है, उसको अपडेट होने के लिए रोज 11:30 बजे टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग करते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर फंसे हैं उनको, जो नोडल अधिकारी जिसको तैनात किए गए, उनसे भी इस मामले पर चर्चा करते हैं कि किस प्रदेश से कोई, उत्तर प्रदेश के जो वासी वो कहीं दिक्कत में नहीं है, या फिर उत्तर प्रदेश में जो लोग अपने घरों में लॉकडाउन में फंसे हैं उनको किसी प्रकार से खाने की दिक्कत तो नहीं, इन सब चीजों पर चर्चा करते हैं। और खासकर उन क्षेत्रों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि जो हॉटस्पॉट इलाके हैं जहां पर कोरोना ज्यादा संक्रमित है, वहां लोग दिन पर दिन जो संख्या बढ़ रही है उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग से चर्चा, और प्लस जो जो टीम्स हैं उनके साथ चर्चा, पुलिस की जिस तरीके से कार्यशैली उस पर भी डीजीपी वहां पर मौजूद रहते हैं। तो एक पूरा दिन भर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से क्या गतिविधियां हुई, किस मामले को, छोटी छोटी खबरों को लेकर वो संज्ञान ले लेते हैं। कल जिस तरीके से मुरादाबाद की जो स्वास्थ्य टीम पर हमला हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि न आरोपियों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाए, इन पर जो नुकसान वहां पर हुआ है तो उनको उनसे वसूला जाए। तो कहीं ना कहीं उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सक्रिय हैं कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना को पराजित करने के लिए पूरे अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद उसके बाद पूरी उत्तर प्रदेश की खबरें साथ में रखते हैं। जी आरिफ अनूप, लेकिन इस बीच जो ये बात कही जा रही थी कि 20 अप्रैल के बाद से जो राज्यों में जो प्रधानमंत्री ने कही थी, फिलहाल अनूप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत है।